हेलो एवरीवन, मस्तर श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो है ना, आप कैसे हो? आप सब, आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है कि ऐसा क्या हुआ है कि बहुत सी एक हलचल सी मच गई है। वायरल भी बहुत ज्यादा हो रही है सोशल मीडिया पे कि जो वो है मौलाना महमूद हैं, मौलाना साजिद नोमानी जी हैं, उन्होंने कुछ बयान दिया अपना ना, खतरनाक सा बयान कि कुछ हुआ था या कुछ हिंदू पंडित ने कुछ कहा था, कोई बाबा थे उन्होंने कुछ कहा था, कुछ ऐसी वीडियो है और सारे लोग इकट्ठे हो गए इस चीज़ के लिए, मुस्लिम मौलाना। सो फिलहाल उसको देखते हैं वीडियो को, फिर करते हैं आज बाकी बातें डिस्कस। देखते हैं भाई ऐसा क्या हुआ है और किस टॉपिक पे हुआ, क्या बयान कर रही है। हाँ, सो फिलहाल उसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं अपने बाकी बातें डिस्कस। दर्द निकालो, ये दर्द निकालो अपने दिल से। या अल्लाह से डरो या नरेंद्र मोदी से डरो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि आज पंजाब शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने जुमे की नमाज से पहले इस शख्स को एक ऐसा पैगाम दिया है कि जो हर एक मुसलमान को नहीं बल्कि भारत के हर एक बाशिंदे को ज़रूर सुनना चाहिए। आखिरकार पंजाब शाही इमाम ने इस रामगिरी को ऐसा क्या मैसेज दिया है, हम खुद पंजाब शाही इमाम की ही जुबानी सुनेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर कुछ खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी की यह वीडियो देखिए। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, वायरल होने की वजह यह है कि इस वीडियो में हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया है कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप खुद हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी की ही जुबानी सुनिए। पूरा ऐलान नहीं किया, खबर लूंगा मैं सबकी। अलफुरकान का रईस शुहदा नंबर, ये लोग क्या समझेंगे कि किसके बारे में है? हमास का लीडर, मिल्लत इस्लामिया का कायद, अमीरुल मोमिनीन इस्माइल हनिया को जो शहीद किया गया है, इस्माइल हनिया की याद में अलफुरकान का खास नंबर मैंने शाय किया है। क्यों नहीं बताया आपने? दर्द निकालो, ये दर्द निकालो अपने दिल से। या अल्लाह से डरो या नरेंद्र मोदी से डरो। अब आइए दोस्तों, हम पंजाब शाही इमाम का वो बयान सुन लेते हैं कि जो आज पंजाब शाही इमाम ने जुमे की नमाज से पहले आज के मुसलमानों को ऐसा क्या मैसेज दिया है, आइए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। आज इस्लाम से तकलीफ है ना पूरी दुनिया को। लोग कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कब हुई, ये कब हुआ, क्या नहीं हुआ। आओ दुनिया का इतिहास पढ़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले गोरे और काले में फर्क था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले इंसानों को गुलाम बनाया जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले बच्चों को कत्ल किया जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले औरतों की इज्जत लूटी जाती थी। यह मोहम्मद कि आज दुनिया इज्जत से सर उठा के जी रही है। अगर रसूलुल्लाह ना आते तो दुनिया की शक्ल सूरत आज ऐसी नहीं होती जैसी। ये नबी अलैहिस्सलाम ने कमाल किया है। इस्लाम पे एतराज करने वाले आगे नहीं बढ़ सकेंगे कभी। साजिशें रचने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से इस्लाम आगे फैला है। कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह काले बिलाल को छाती से लगाए और एक गुलाम के बेटे को जिसका रंग काला है, जिसकी नस्ल काली है और जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसके पांव में जूती नहीं है, जिसको अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान जैसे बादशाह जो है मक्के में घुसने नहीं देते। कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिलाल को कहे कि आ जा बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान अगर देगा तो मेरा बिलाल दे। कायनात में अगर कोई ये कर सकता है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। यस यस, डेफिनेटली गाइस। आज बाप बेटियों के पीछे जान देते हैं, वो दौर था जब बाप बेटी को कत्ल करता था। किसने कहा कि बेटी मेरी जान है? किसने कहा कि बेटी अल्लाह की रहमत है? किसने कहा कि बेटी जन्नत की सरदार बनेगी? किसने कहा कि बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है?
ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, हमारी सरकार ने तो आज कहा, आज से 15-20 साल पहले, कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देना है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, पहले ही हुक्म कर दिया कि जिस तरह बेटे जायदाद में हकदार है, बेटी भी बाप की जायदाद में हकदार है। दुनिया समझती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के जरिए या तलवार के जरिए हुक्मरानी को कायम कर दिया। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा दीन है। आज इस्लाम में हर रंग के लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं, हर जुबान के लोग हैं, हर खित्ते के लोग हैं। ये जो दीन कायनात तक पहुंचा, ये प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मोहब्बत वाले कानून की वजह से पहुंचा, जिसमें अमीर गरीब बड़ा छोटा सारे के सारे बराबर बराबर। प्यारे नबी सलाम ने क्या बात कही, नसीहत जब की मुसलमानों को, क्या बात कही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, फरमाया मिस्कीनों से मोहब्बत करना। आज बड़े लोग अपने बच्चों को क्या समझाते हैं पता है आपको? आप में जो बड़े लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा है जिनके पास, वो अपनी औलाद को क्या समझाते हैं कि बेटा स्टैंडर्ड के लोगों से मिलते हैं, बराबर के लोगों से मिलते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिस पाक नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटे अपने से नीचे वालों को मिलना है, अपने से कमतर वालों को मिलना है, अपने से गरीबों को मिलना है, अपने से मिस्कीनों को मिलना है, अपने से मोहताजों को मिलना है। ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि दुनिया को उठा के अपने कंधे से लगाएं, इनको बराबरी का दर्जा अता फरमाए। दुनिया तो आज भी अपनी औलाद को गलत तालीम देती है कि बेटा जब मिलना तो बराबर वालों से मिलना है। दोस्तों, अब इस वीडियो के आखिर में जमियत उलेमाए हिंद की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आप इस बीजेपी के नेता को गौर से देखिए। ये वो नेता है कि जिसने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया है कि भारत के अंदर कुछ मदारिस ऐसे हैं कि जो दहशतगर्द के अड्डे हैं, जहां पर दहशतगर्दी सिखाई जाती है। यानी दोस्तों, इस बीजेपी के नेता ने मदारिस को निशाना बनाते हुए ये बात कही है कि भारत में कुछ मदारिस ऐसे हैं कि जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं। आखिरकार जमियत उलेमाए हिंद ने बीजेपी के इस बेहुदा बयान पर क्या बयान दिया है, आइए हम जमियत उलेमाए हिंद के इस लेटर पेड को देखते हैं। 19 सितंबर 2024 जमियत उलेमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने मरकजी वजीर ममलकत बराए वजारत दाखला बंदी संजय कुमार के जरिए बाज मदारिस को दहशतगर्दी की तरबियत गह बताने की शदीद मजम्मत की है। मौलाना मदनी ने कहा है कि उनका बयान शरारत और इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। ये मुल्क के लिए अफसोसनाक है कि ऐसी सोच रखने वाला शख्स हुकूमत के एक संजीदा, हसास और ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज है। उन्होंने कहा है कि हमें मालूम हुआ है कि वो मुसलसल एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे बयानात देते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सब ने सुना कि जमियत उलेमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि हुकूमत के इतने बड़े ओहदे पर फाइज होने वाला शख्स ऐसे बयानात दे रहा है, ये हमारे भारत मुल्क की तोहीन है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब ने ये कुछ वायरल वीडियोस देखी कि जिसमें हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी साफ तौर पर यह बात कही है कि हर एक मुसलमान का ईमान यकीन ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह से डरे। दोस्तों, आप सब लोग हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सो गाइज, ये थी वीडियो। एंड एक वीडियो पहले आई थी स्टार्टिंग में, वो बाबा जी थे, वो कोई कुछ बुरी बात बोल रही है मेरे ख्याल से, वो बयान बताना कि क्या कहा था उन्होंने या कुछ है उस चीज के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तो कोई भी मुस्लिम नहीं सुन सकता, वो नहीं सुन सकता भाई, कोई भी नहीं सुन सकता, सच्चा हो जाए ना सच्चा हो तो वो सुन ही नहीं सकता। और एक कोई जिम्मेदार नागरिक भी है कि जो जिसको धर्मों के बारे में पता है या जो अच्छा है, है ना, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हो, वो भी नहीं किसी स्कॉलर के बारे, स्कॉलर के किसी ऐसे प्रोफेट के बारे में सुनेगा या किसी भी रिलीजन की वो ऐसी निंदा नहीं सुनेगा कभी भी, है ना, कि उसको पता है कि भाई क्या होता है रिलीजन की क्या चीज़ है, जो अच्छे से रिलीजन को जानता है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे रिलीजन की, चाहे वो दूसरे रिलीजन के कोई स्कॉलर हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे उसके प्रोफेट हो या कुछ भी हो, है ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।